नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका साथी, आपका कोच एंड मेंटर, एक बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट, एक मार्केटिंग मैनेजर, एक मार्केटिंग की गुरु, वट एवर यू से, मोहन चंद्रा रिमेंस मोहन चंद्रा. मोहन चंद्रा जो मैं अपने आप में इतनी नॉलेज मैंने कमाया बिजनेस के ऊपर, जो मेरे को पैसा दिखता है, रोड पूरा बरसा हुआ दिखता है, अनेक पीपल को मैंने दिखाया अपनी स्ट्रेटजी, सारे पीपल अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं. आप मेरे पूरा वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. देखो मेरे दोस्तों, जो पैसा का पीछे आज भाग रहे हो, अपनी जीवन में टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी जीवन में टाइम नहीं दे पा रहे हो, पैसा के पीछे जो भाग रहे हो, उस भाग को, उस रफ्तार को कम करो. टाइम को मनी में कन्वर्ट करना सीख लो. आप नौकरी कर रहे हो, जो 12 घंटा नौकरी कर रहे हो, कोई बंदा 6 घंटा नौकरी कर रहा है, कोई 8 घंटा नौकरी कर रहा है, लेकिन वो एक अटेंडेंस के सिस्टम में कर रहे हो. लेकिन आप रियल नौकरी की मैं बात करता हूं, शायद आप 2 घंटे से, कोई कोई पर्सन 1 घंटा, कोई कोई फाकी जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो सारे बहुत अनेक ऐसे पीपल जो फाकी भी मारते हैं, जो मार्केटिंग वाले हैं बाहर में जो जाते हैं, तो अपनी टाइम को बर्बाद करते हैं फोन में, आज के डेट में व्हाट्सएप में. तो आप अपने आप को से बहुत खतरे में हो. तो मैं कह दूं, यदि फोन में आप अपने टाइम को बिताते हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे चले जाओगे. क्योंकि जो फोन में दिखता है, जो दिखाना चाहता है, वो देखते हो, वो नहीं देखते हो जो आपको देखने की जरूरत है. तो दोस्तों, मैं जो मोहन चंद्रा जो आपके जीवन में चार चांद लगाने की मैं बात कर रहा हूं, आपको जीवन में एक सुधार की बात कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक छोटी सी फैमिली से आके आज मेरे पास वो है. यदि एक 5-स्टार होटल में बिना मेन्यू देके मैं ऑर्डर देता हूं, 5-स्टार होटल में बिना मेन्यू देके ऑर्डर देता हूं, पिज्जा का काउंटर में डोमिनोज के पास जाके मेरे को मेन्यू देख के ऑर्डर देने की आदत है, तो मैं चफ का चॉइस नहीं खाता, मेरी चॉइस खाता हूं. वो शायद मेरी कार्ड की इतनी पावर है, जो बिल वर्ल्ड में कोई भी होटल में हो, मैं पे करने की क्षमता रखता हूं. मेरे को कभी बुकिंग फ्लाइट की टाइम को देख के मैं बुक करता हूं, ना मैं फ्लाइट का टाइमिंग को देख के बुक करता हूं, ना फिर फ्लाइट की फेयर को देख के बुक करता हूं. मेरी टाइम में जो फ्लाइट अवेलेबल है उसमें मैं ट्रैवल करता हूं. ट्रेनों में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, लेकिन एक बार ट्रैवल करने की मजा आता है मेरे बच्चे से. जिस दिन मैं फोन को स्विच ऑफ करके आपके साथ, जो मैं 3 महीना, जो मार्च अप्रैल में, जो आपको मैं बोला हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ सुधार लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, काम करूंगा, जो आपके साथ मिलके काम करूंगा, तो ट्रेन द ट्रेनर को मैं बनाना चाहता हूं. यदि आप ट्रेनर मेरा बन सकते, बनने की कोशिश भी करोगे, तो मेरे जैसी नहीं तो मेरा 1% भी आएगा तो आप 1 साल में 1 करोड़ कमा लोगे. 1% भी मेरा ग्राफ करोगे तो, क्योंकि मैं जो है पैसा का पीछे में भागा नहीं, पैसा मेरे पीछे में भागता है. आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन में कम से कम 800 मेरे तक कॉल्स रीच हो जाते हैं, मैं अटेंड नहीं करता. हर इनकमिंग का मतलब पैसा है. मेरे को हर पर्सन मेरे को बोलता है कि पैसा ये करवा दो, वो करवा दो. मैं सबको बोलता हूँ, वो करवा देना, ये करवा देना नहीं. मैं आपको जो गाइडेंस दूंगा, वो गाइडेंस के हिसाब से आप अपनी बिजनेस का पहले प्लेटफॉर्म रेडी करो, प्रोसेस को रेडी करो. प्रोडक्ट तो मैं कुछ भी आपको ला के दे दूंगा मेरे दोस्तों. प्रोडक्ट से आपका पैसा नहीं बनता, आपको जो पैसा बनता है वो प्रोसेस से बनता. तो प्रोसेस को बिल्टअप करो, आप पार्ट टाइम करो, कोई इशू नहीं है. बिजनेस में पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, नौकरी मत करो मेरे दोस्तों. मैं अपने जीवन में जो क्वालिटी टाइम है, जो मेरी बहुत ही एंगेज है, जो 2001 से लेके मैं 2013 कंप्लीट 14 तक मैं अपने आप को मैं नौकरी के पीछे में दौड़ गया.
क्योंकि मेरी दौड़ नहीं थी, ये मेरी घर की चॉइस थी। मैं कभी भी बिजनेस करना चाहता था, मेरे भाई को दिखा के सब बोले कि बिजनेस हमारे घर की शान नहीं है, बिजनेस हम करना नहीं आते हैं, हम कोई गुजराती नहीं है, हम कोई गंग की फैमिलीज नहीं है, ना बनिया नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं बहन बनिया हूँ, ना मैं घर का फैमिली हूँ, ना मैं किसी का उसी का फैमिली गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे को बचपन से मेरा घर में बिजनेस की आदत नहीं है, लेकिन मैं जितना बिजनेस किया शायद एक बिजनेस में मैं फेल नहीं हुआ, सारे बिजनेस में सक्सेसफुल किया। मैं हमेशा किसी औरों से बेचना सिखाया, औरों से बेच के मैं पैसा कमाया, क्योंकि मैं खुद बेचूंगा तो अकेला पड़ जाऊंगा, औरों से बेचवा दूंगा तो अनेक हो जाएंगे। मेरी जो एक दिन के 22 घंटा जागने की आदत आज से नहीं है, बचपन से बहुत घंटा मेरा ब्रेन में हमेशा मैं सोचते रहता हूँ कि मैं क्या डिफरेंट करूँ। सोचते सोचते मेरी ब्रेन विजुलाइज करती है, मैं सोच सकता हूँ आगे, मैं जितना मैं सोचता हूँ प्रूव होता है। प्रूव होना क्या है, मैं जो स्ट्रेटजी लिखता हूँ फेल हुआ नहीं है अभी तक मैंने। सब दोस्तों आप समझ सकते हो कि जब मेरे पास एक नॉलेज, एक क्षमता है मेरे पास जो आपको सपोर्ट करके जिंदगी में बदलाव करने के लिए, मैं जो एक बिजनेस का ब्रांड्स बिल्टअप किया, 99 सब्लिमेशन जो इंडिया का आज सबसे बड़ा कंपनी, उसको मैं बिल्टअप करने का समय, जो अनेक सबसे बड़ा इज्जत की कंपनी है जो B2B मार्केट में बिजनेस करना सिखाती है, प्रिंटिंग के बिजनेस में, स्टार्टअप क्लिनिक है, जिन भी इवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड या जिन भी बिजनेस स्टार्टअप या मेरे जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए मैंने किया, जो प्रोजेक्ट मैंने इनके लिए वेटर्स इंडिया के लिए किया, आर्मी नेवी एयरफोर्स पीपलों के लिए किया, वो जो प्रोजेक्ट्स है सेमी वो जानते हुए भी वो सक्सेसफुल पा लेते हैं। यदि फुल जानेंगे तो सोचो मेरे दोस्तों कैसा रहेगा उस प्रोजेक्ट्स को, जो मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए मैं बनाने के लिए तैयारी कर चुका हूँ, करता हूँ। और मैं विनय कुमार मिश्रा जी को मैं डिस्कस भी कर चुका था, इसके लिए मैं नेशनल सेक्रेटरी एंटरप्रेन्योरशिप का मैं होदा भी वहाँ लिया हूँ। आज भी मैं आप लोगों का 3 महीने का जर्नी के बाद डेफिनेटली वो आर्मी नेवी एयरफोर्स को मैं आपको सपोर्ट करूँगा। दोस्तों ये पहली बात है, मैं पहला बार ही नहीं कर रहा हूँ, अनेक बार मैं कहता हूँ, तो आपको कोई जीवन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ मुश्किल आता है मोहन चंद्र आपके साथ रहेगा। किस अनेक पीपलों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो कोर्स की इम्प्रूवमेंट्स होगी, फाइनल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स जो है, मैं मतलब जुलाई अगस्त तक मैं लेके आऊँगा आपका जीवन में। जो ये कोर्स जो है पहला 100 पीपल में आप भी आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप रिंग उठाओ, फोन घुमाओ और मेरे नंबर पे पहुंच जाओ डायरेक्ट, या मेरे ऑफिस आके मिलना स्टार्ट कर दो, जो मेरे बहन का ऑफिस है 99 सब्लिमेशन, गूगल में दिख जाएगा दिल्ली में, उस ऑफिस में मैं ये 3 महीना कोर्सेस करवा रहा हूँ। यदि आप चाहते हो कि आप भी पार्ट ऑफ द कोर्स हो, ये कोर्स क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो 1 साल एक कंपनी पढ़ाता है, जिसको मैं 1 महीना 7 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ। और 7 दिन ही आपको पढ़ाऊंगा या 10 दिन 15 दिन आपको पढ़ाऊंगा, जो आपकी पिकअप का टाइम हो, बाकी आप घर में पढ़ोगे। उसके साथ में मैं मार्केटिंग सिखाऊंगा, एक MBA की कोर सब्जेक्ट को मैं आपको दूंगा, वो सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करोगे तो आप डिजिटल मार्केटर बनोगे। वो डिजिटल मार्केटर नहीं जो फेक लाइक के ऊपर काम करता है, अनेक फालतू चीज़ों के लिए काम करता है, उसको पता ही नहीं कि कस्टमर कहाँ आइडेंटिफाई है, कहाँ बैठा हुआ, उसको कैसा नेटवर्क बिल्टअप किया जाएगा। मैं 12 मिनट्स में इंडिया तक मैं पहुंच सकता हूं, तो क्योंकि मेरी नेटवर्क उतनी स्ट्रांग है। यस, ये नेटवर्क टूट चुका है, क्योंकि वो सारे पीपल जो सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल उन लोगों हो गए, तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको आपकी जीवन की ज़रूरत है। मेरी जीवन को बिगाड़ने के लिए ज़रूरत को उतना मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं किस सख्तों को मेरी जीवन की 25% पढ़ाया, 25% मास्टर। जब तक मैंने 25% नॉलेज की नहीं, मेरे जीवन के बारे में पढ़ा दिया, तो मेरे ऑफिस में बैठ के मेरा ही पीछे में गेम बजाने की कोशिश की है। लेकिन एंड ऑफ द डे मोहन चंद्रा को सिर्फ बजा सकता है वो भगवान, और कोई नहीं। क्योंकि इसको बजाने की कोशिश भी करोगे तो मेरे दोस्तों आज नहीं तो कल तो मर ही जाओगे। तो आपको कभी भी मैं जो भी स्ट्रैटेजीज देता हूँ, वो स्ट्रैटेजीज को देख के यदि कॉपी करने का कोशिश करोगे, उस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट भी एक को मैं कड़ा करने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल तो मेरे पास तो शेर हाथ में शेर है, ये रोड में उतर जाएगा तो मुश्किल भी हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा शेर को कैसा दौड़ाना होता है, कैसा मतलब अपने आप में कैसा दौड़ना होता है, अपने आग कैसा लगता, आपको जज्बात कैसा होनी चाहिए,
तो दोस्तों आप समझ सकते हो मैं किसी को कॉपी नहीं करता, अनेक यूट्यूबर्स पागलों की बात करते, पागल नहीं मैं सच्चा देशभक्त हूँ, भारत को बदलने में मैं बात कर रहा हूँ। यदि भारत को बदलना है तो यूथ को बदलना होगा, यंग पीपलों को बदलना होगा, उनकी सोच को बदलना होगा, गरीबी हटाने होगा। कहां से? दिमाग से। आप दिमाग से गरीब हो, दिमाग से गरीब हो। आप अमीर हो, आप दिमाग से गरीब हो, क्योंकि सोसाइटी में नेगेटिविटी बढ़ा है। सोसाइटी में नेगेटिविटी और बढ़ाएंगे टीवी के चैनल वाले, फेसबुक के चैनल्स, यूट्यूब के चैनल्स जो है बेसिकली, वो भी आपको नेगेटिव बताएंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट मूवीज में मजा आएगा। दुख से जीना चाहते हो तो दुख से जियोगे मेरे भाई, दुखी हो जाओगे। तो आपका फेसबुक यूट्यूब जो उसमें आप टाइम स्पेंड करते हो, टीवी में स्पेंड करते हो, तो नेगेटिविटी जो आपको देखना है वीडियोस, वो भी बिल्कुल जो पॉजिटिव आपको बनाने में मदद करेंगे। अनेक यूट्यूबर्स हैं, मैं रियली अप्रिशिएट उन सारे पीपलों को करता हूँ जो पीपल पॉजिटिव बातें करते हैं। और शायद वीडियो छोटी हो, एडिटिंग हो, सारे पीपल मेरे जैसी लंबे वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास नॉलेज की क्षमता होती है। बुक पढ़ते हैं, बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके फिर से वो बात करते हैं, एडिट करते हैं, एक सुंदरता दिखाते हैं। लेकिन मैं जो है वो सुंदरता के ऊपर मैं काम करूंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ, यदि आपका जीवन में एक दिन भी मैंने बचा लिया, एक घंटा भी एक जीवन में बचा लिया, तो वहां से आपका जीवन नया शुरू हो गया, तो उससे ज्यादा क्या मजा आएगा मेरे दोस्तों। तो आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप अकेला मत देखो, एटलीस्ट आप 5 बार देखो, आपके फैमिली में मदर एंड फादर को देखो, वो सोचेंगे कि यस दिस इज वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कमाना सबसे ईजी है इस देश में, क्योंकि किसी को कमाना जो नहीं आता है, सच बोल के देखो, अकेला बोलना, मेरे जैसे बहुत कम बोल पीपल होंगे जो 100% सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन 99.5% में सच बोलना था, 0.5% यदि आप बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को कोई पूछता है कि आपका प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, मैंने जितना बता दिया प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उतना प्रॉपर्टी मेरा छीन लिया गया है, तो वो कंडीशंस में मेरे पास और बचा कुछ नहीं है, मेरे पास नॉलेज बचा हुआ है, वो नॉलेज से पैसा तो आप लोग कमा लो, क्योंकि मेरे को इज्जत बचा हुआ है, जो इज्जत मेरी जो है उससे बढ़कर मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इज्जत की जरूरत होती है। इज्जत जहां रहेगा पैसा जिंदगी भर बरसते जाएगा, जिंदगी भर बरसते जाएगा मेरे दोस्तों। पैसा बहुत इजी है, इज्जत कमाओ। इज्जत कमाने के लिए आपको ब्रांड बनाना होगा, अपने आप को भी ब्रांड बना सकते हो, जो मैं बना रहा हूं आपके सामने में बना रहा हूं, मोहन चंद्रा एक ब्रांड आपके इस देश में उभरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ब्रांड जो है शायद आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन हो जो जीवन में जोत जलाने के लिए काम कर रहा हूं। और कोई मैं देख चुका हूं, मेरा रास्ता में कोई नहीं है, तो मेरा रास्ता में कोई नहीं है तो मेरी दौड़ में आपके साथ लेके दौड़ूंगा। आप मेरे पकड़ो, मेरे कंधे को पकड़ो, आओ जरा तक ले जाऊंगा, आपको छोड़ूंगा, आप भी दौड़ना स्टार्ट करोगे, अनेक ऐसे देश में वापसी हो जाएंगे जो दौड़ते दौड़ते हम अपनी मंजिल पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे को रास्ता पता है कहां से कहां तक जाना है। पैसा कमाना सबसे इजी है मेरे दोस्तों। आपका रोड में जो पैसा पड़ा हुआ है, रोड से पैसा उठाना मैं सिखा दूंगा। यकीन नहीं करोगे तो आपको मैं 2 एग्जाम्पल बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ यही एग्जाम्पल, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल्स में जो है आप जब मैं से मिल के काम करे सीखने की ये करोगे तो आपको मैं बताता हूँ। एक डॉक्टर होता है, जो अनेक तरीका का डॉक्टर्स होते हैं लाइफ में, RMP, MBBS, उसके बाद MD MS, MS MSCH, MD DM, ऐसा पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स तक होते हैं। बहुत अच्छे पढ़ने के बाद कोई टीचर्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं, टीचिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे जो प्रोफेशनली सक्सेस हो जाते हैं, जो ऑपरेशंस करने में पैसा कमाते, ट्रीटमेंट करने में पैसा कमाते। तो जैसा कि मेरी शौक है पैसा कमाना नहीं, आपको दिमाग को ट्रीटमेंट दे, पैसा आप कमाओगे तो भी मैं रिच हूं, क्योंकि मैं जितने पीपल को टीच किया हूं तो सारे मिलाओगे तो 1,00,000 करोड़ कमा लिया होगा सर। क्या मेरे पास 1,00,000 करोड़ है? मेरे पास 1,00,000 करोड़ बनाने की तो आदत लग गई, तो आप समझो यदि मैं जब आपको टीच करूंगा
क्या मैं टीच नहीं किया? यस, मैं टीच करता हूं। शायद मेरी जो नॉलेज है सेकंड एक पर्सन के पास होने वाला होगा तो उसको मेरे सामने में बैठा दो। कोशिश तो करे एक नॉलेज को प्रूव करने में मजा, लेकिन मेरी डोमेन होनी चाहिए। यस, मेरी डोमेन में मेरी नॉलेज जो है मेरे को सीखने की जरूरत और है। मैं रिसेंटली मेरा पीएचडी एक एडमिशन में मैंने बता दिया कि मेरे को एक वाइफ नहीं चाहिए, एक गाइड के ऊपर मैं हस्बैंड चाहिए, वो भी एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी में। मैं अपनी पीएचडी का एडमिशन के लेने के लिए गया तो 9 ऐसे प्रोफेसर्स हैं, मेरे को बोले कि आपका गाइड है, हम आपका गाइड बनेंगे। तो मैं जब बात किया, मैंने बोला कि मेरे को वो पर्सन की जरूरत है जो मेरे जीवन में हस्बैंड का रोल करे, वाइफ का नहीं। तो मतलब मेरे से ज्यादा नॉलेज पर्सन को मैं अपना गाइड मानने के लिए स्वीकार करता हूँ। यदि आप कोई गाइड मेरे को करना चाहते हैं तो, लेकिन वो प्रूव करना होगा मैं गाइड हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ मिलके काम करने वाला हूँ। तो मेरी पास एक नॉलेज है, एक क्षमता है, वो क्षमता जो है मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ हमेशा। तो वो जो क्षमता मेरे पास है वो है मार्केटिंग, मेंटोरशिप, बिजनेस स्ट्रैटेजी। मैं जो भी लिख देता हूँ वो सक्सेसफुल हो ही जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर मैं अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। हर बंदे से एक दिन में मैं 15-20 ऐसे पीपलों से बात करता हूँ जिसको एवरेज मैं टाइम हाफ एन आवर का टाइम देता हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं सीख लेता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ 10 बंदे को इकट्ठा करता हूँ, मैं बात करता हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, सिमिलरली मैं अनेक प्रोग्राम्स में पढ़ाता हूँ। जो मेरे पास जो है 5,000-10,000 बच्चे भी सामने रहते हैं, तो मेरे को टॉपिक, मेरे को वो क्वेश्चन आंसर्स करने में मजा आता है, जिसको क्वेश्चंस को आंसर्स देने में मजा आता है। क्योंकि जिंदगी जीना तो मुझे आता है, आपको शायद पैसा का पीछे भाग रहे हो। पैसा का पीछे भागोगे तो दोस्तों पैसा आपसे आगे भागेगा। आप हमेशा आगे भागना है, पैसा आपके पीछे में भागना है। तो आप समझ सकते हो, आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है। आपको पैसा कमाना है, मेरे इज्जत कमाना है। इज्जत से पैसा कमाना यदि सिखा दूंगा जीवन में आपको, इज्जत से पैसा कमाने वाले में मजा ही कुछ अलग है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी मार्केट में जो है, जो डॉक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं, एक एक पर्सन जो कंटिन्यू एजुकेशन देता है वो द बेस्ट डॉक्टर बनता है, उसके पास पैसा की कमी नहीं है। और जो है वो प्रोफेशनली जो भी डॉक्टर बन जाता है, उसको सर्टिफाई हो जाता है, तो कहीं भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं से भी पैसा निकाल सकता है। ऐसा ही एक बिजनेस में जो पर्सन बिजनेस का एजुकेशन के ऊपर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूस एजुकेट होते रहता है, तो वो अपने बिजनेस को फेल नहीं हो सकता। बिजनेस स्टार्टअप्स करने वाले या बिजनेस स्टार्ट करके काम कर रहे हो, यदि बिजनेस स्टार्ट करके आपके पास टाइम नहीं है तो आप पीपल को अपॉइंट करो, मेरे पास भेजो, मैं मेरा वीडियोस को दिखाओ, पहले मैच्योर करो अपने आप को। क्योंकि नर्चर जब तक नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप मेरे को सोच में नहीं आओगे, आपका दिमाग में मैं जब तक बैठूंगा नहीं, आपको यकीन नहीं करोगे। तो मेरा यकीन के लिए आप, मेरा एक पेज है CM मोर पावरफुल करके फेसबुक का पेज है, जिसमें अनेक वीडियो है। एक एक वीडियो के ऊपर जब अपना टाइम को दोगे, टाइम जब भी दोगे, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वो टाइम में जो वैल्यू क्रिएट होगी आपका जीवन में बदलने की, एक मौका तो मिल जाएगा। तो समझो मेरे दोस्तों, अभी तक मैं कोई SEO नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक वीडियोस को मैं आगे भेज दूंगा, अनेक पीपलों को पहुंचा दूंगा, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि इस वीडियोस को अनेक पीपल उसको कंटिन्यूस देखने की आदत हो जाएगी। जो टाइम फेसबुक में बचा वेस्ट हो रही है, तो टाइम जो यूट्यूब में वेस्ट कर रहे हो, अनेक जो 5 मिनट का वीडियो चाहिए हो, या मेरे रस की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा है। मैं भी सुनता हूँ गाना, गाना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक इज ए साइंस जो आप एंजॉय कर सकते हो, म्यूजिक इज ए एंजॉय करो। आप अपने जीवन में टाइम निकालो, एंजॉय करो। मैं भी अपना एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि जो मेरा प्यार है उस भारत देश को बदलने में, तो भारत देश को बदलने में के लिए मैं हर दिन एक वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो सामने जाके जब हलचल मचाएगी इस सोसाइटी में, तो आप समझ सकते हो कि अनेक ऐसे पीपल है जो अर्ली, जो मार्च 1 तारीख को मैं स्टार्ट किया, मैं बहुत स्पीड दौड़ने वाला हूँ, फेरारी के जैसे दौड़ना। मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स इंस्टेंट आ जाए, तो रिजल्ट्स, वो सिरेको करके एक मूवी होता था जिसमें मदर जो है प्रेग्नेंट होके मिनट्स में
बच्चा पैदा करती है, वैसा मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ जोड़ दूँ, आपको सिखाऊँ जितना भी है। पैसा कमाना इस देश में सबसे ईजी है। मोहन चंद्रा जो पैसा कमाना सिखाता है, इस वीडियोस को भी देख के महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो। जीरो इन्वेस्टमेंट से मैं 2000 ऐसे प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो होगी, आप तब पर भी पैसा कमाओगे, क्योंकि आप देख पाओगे आपके घर में 1% बेच रहा है, 1% खरीद रहा है, इन दोनों को जोड़ने की एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दूंगा आपको। वो प्लेटफॉर्म को आप यूज भी करोगे तो आप पैसा कमा लोगे। तो अमेजन का सेलर मत बनवाना मेरे दोस्तों, अमेजन से मेरे को गुस्सा है, क्योंकि मेरे अनेक 8000 प्लस स्टार्टअप्स जो है अमेजन की शिकार हो गए, फ्लिपकार्ट के शिकार हो गए। तो दोस्तों मैं अमेजन और फ्लिपकार्ट को रिप्लेस करने की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप रिप्लेस करना चाहते हो तो मेरे को 719 जिले में 1-1% आ जाओ। अमेजन फ्लिपकार्ट को एक बार तो घर भेज देंगे, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि वो सारे पीपल सेलर से खेल रहे हैं, सेलर का जीवन से खेल रहे हैं। ईबे ने जो खेला था तो ईबे को मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका टीम को स्नैपडील ने हायर कर ली थी, सिमिलर यानी कंपनी ने हायर कर ली, उसके डाटा को चोरी हो गया। तो मैं ईबे के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक जेन्यून रीज़न था क्लोजिंग का, जो फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया, एक लूट मच गई थी उसमें। ईबे को आप फ्लिपकार्ट और अमेजन को तो बंद होना पड़ेगा इस देश में। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि यदि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं कंज्यूमर का बिहेवियर जानता हूँ, उसको कंज्यूमर 70% ऑफ मोबाइल एक्सेसरी का बिजनेस को यदि हिट कर दोगे, उनको ऑर्डर्स आने नहीं दोगे तो बहुत है। मोबाइल एंड मोबाइल एक्सेसरी 70% बिजनेस जो है, गैजेट्स जो बिजनेस है, फ्लिपकार्ट और अमेजन की जान है, जिसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं आप आराम से खत्म भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि देखो मेरा सेलर जो 8000 पीपल को मैंने ट्रेन किया, वो मेरी ट्रेनिंग थी, जो पीपल सेलर्स बने, अनेक पीपल आप सारे जानते हो 99 सब्लिमेशन में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मोबाइल एक्सेसरी के बिजनेस में मैं उनको सपोर्ट किया था, उस सारे पीपल को सपोर्ट किया। मेरे पास जब पहली बार एक पर्सन जो अमेजन का फर्स्ट सेलर मैं खुद बना, बनने के समय मेरे को रिक्वेस्ट किया गया कि चंद्रा जी आप जो सपोर्ट करोगे तो हमारा अमेजन बढ़ जाएगा। फ्लिपकार्ट से भी ऐसा ही था, उनका नाम भी मैं भूल चुका हूँ, कि बैंगलोर चले गए, वो खुद आए मेरे को रिक्वेस्ट किया। सिमिलरली ट्रेडर्स रिक्वेस्ट की थी, अनेक ऐसे पीपल। तो मैं पहले से करने के बाद अनेक पीपलों को मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो 2014-15-16 में 8000 प्लस सेलर्स 18-17 तक मैंने बनाया था। एंड ऑफ द डे सारे पीपल्स का जीवन से खिलवाड़ हुआ। जब मार्केट बढ़ गई तो पुराना पीपल को छोड़ दिया गया, वो सारे पीपल को मार्केट में खचड़ा मच गया है। तो हलचल, अब उनका टैक्सेस बढ़ गए हैं, 40%-30% की रेवेन्यूस एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, अब मार्केट प्लेस में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो जब भारत सरकार बोलती है 8% के मार्जिन में आपको खेलना चाहिए सर्विस में, तो 10% में खेलना चाहिए, 40%, ये क्या मजाक है मेरे दोस्तों। तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील के सेलर बन के मर मत जाना। मोहन चंद्रा के पास आओ, आपको बिना अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील के बगैर, इवन इंडिया मार्ट के बगैर आपको कुछ मैं सिखा सकता हूँ, जजडेल के बगैर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता है, प्लेटफॉर्म अपने आप में अलग होता है। आपको मार्केटिंग नहीं आता तो मार्केट प्लेस को यूज़ किया जाता है, मार्केट प्लेस को जब भी यूज़ करना है। मैं आपको ऐसी प्लेटफॉर्म दूंगा जिसमें आपका नंबर खुद का होगा, तो फ़ोन नंबर तो एटलीस्ट आएगा, तो यदि बाय नाउ बटन होगा तो आप आ जाओगे, जिसमें फ़ोन नंबर से तो आपको कमीशन भी देने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ऐसा कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा डेफिनेटली। आपको टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत छोटी लगती है, मेरे को बनाना नहीं आता लेकिन मेरे को बनवाना आता है, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर जानता हूँ। यदि आप कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं जानोगे और बिजनेस करने की, आपको कस्टमर कमाना होता है, बिजनेस जब करना है कस्टमर कमाना होता है, आप सर्विस भी अपने आप को बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट, अभी मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं, मेरा एक स्टूडेंट जो बनना चाहता है, ये महीना में 18000 रुपया कमाता है, बैंगलोर से मेरा कॉलर है। जस्ट मैं अभी रात को शायद 1 बज रहा है, आज डेट जो है 16 हम एंटर कर चुके हैं रात को 1 बजे। तो मेरा क्लाइंट जो फ़ोन किया है, इनका नंबर भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नंबर आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि इनसे फ़ोन करने से उनका प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो इनसे मैंने जो बात किया 29 मिनट्स बात किया 10:23 के समय, ये बेंगलुरु से है। ये जो पर्सन है बेसिकली MBA है, 3 साल के पहले MBA किया था, एक अच्छी इंस्टीट्यूट से MBA करने के बाद 3 साल के बाद इनकी सैलरी जो 18,000 है, इनके फादर गुजर चुके हैं,
इनका भाई एक जीता है इनके साथ, इनके जीवन में खुशी नहीं है। यंग एज है अराउंड 25 ईयर्स, मैंने बताया कि आप एक काम करो, अपना फ्लाइट पकड़ो, आओ सीधा दिल्ली, रहो मेरे साथ 7 से 10 दिन। मैंने इनको कुछ, मेरी फीस जो है कोर्स का फीस भी मैं नहीं बताया, मैं इनके लिए इवन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 18,000 रुपये का सैलरी में इनको चाहिए तो मेरा ऑफिस में एक रूम, बैचलर्स के रूम्स में मैं इनको स्टे कर दे सकता हूँ। कुछ खाना तो दूंगा नहीं, क्योंकि खाना भी दूंगा तो मेरे लिए होगा नहीं, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहूँगा तो भारत का हर बच्चा मेरे पास आ जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं 100 ऐसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पीपल जो है इंडिया के बम बन जाएंगे, उनको पैसा इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी, इतनी इतनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि पैसा कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है। यस, उसके लिए मैं कंटिन्यूस कोर्सेस चलाऊंगा, कंटिन्यूस एजुकेशन दूंगा उनको सोच बदलने की, क्योंकि पैसा कमाना आपका ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। तो आपका ब्रेन यदि सीधा कर दूंगा तो पैसा आपको दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि पैसा कमाना सबसे ईजी है मेरे दोस्तों, मनी मेकिंग इज द मोस्ट ईजियर थिंग, इससे ईजी कुछ भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, मैं बता रहा हूँ, 100 बार बता रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को दिखाओ वीडियोस को, आपको बोलो कि हो सकता है सब कुछ। देखो, मेरे को पैसा कमाने की शौक नहीं है, यदि आप 50 बच्चे एट ए टाइम पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूट आप प्रोवाइड करोगे तो मैं आके एक बच्चे का फीस लूंगा, मेरा स्टे वो सब अरेंज करवाओ, वहां से अच्छी लग्जरियस लाइफ जीता हूँ, आप समझ सकते हो। तो मेरे को मेरी एक्सपेंसेस के साथ मेरा कुछ, मेरी कोर्स फीस जो है 50 पीपलों को मिला दोगे तो शायद मैं 2-3 लाख रुपए में आपके लिए 50 बच्चे को मिला के मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये 50 बच्चे जो है मेरे को एग्रीमेंट करना होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, एग्रीमेंट करना होगा, चीट नहीं करेंगे। पब्लिक को चीट करोगे तो मैं चुप नहीं रहता हूँ, क्योंकि पब्लिक को चीट करना नहीं है, ये मेरा देश है, मेरा भारत देश है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, मेरे भारत के वासी हैं आप, तो मैं इसके लिए काम करता हूँ। तो मेरे पास जो जज्बा है, पागलपन है, जो भी आप कह लो, तो मेरे पास रातों को नींद नहीं होता है। चाहिए तो आप देख पाओगे, मेरे फैमिली यहाँ सोई हुई है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सोई हुई है, तब पर भी मैं आपको रात ने दिन ने आपके साथ हूँ। मैं पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कमाना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, बहुत ऐसे पीपल जो मेरे से मजाक उड़ाने की कोशिश, 2 झापड़ मारूँ साले उनको, सीधा हो जाएंगे। तो मैं आपको, मेरे को उतना गुस्सा भी है, क्योंकि 22 घंटा जाग के रहने में देश को बदलने वाले का पास गुस्सा नहीं रहेगा, तो तेरा बाप का पास रहेगा क्या मेरे दोस्तों? तो आप समझो, आपको मैं, मेरे पास गुस्सा है क्योंकि आपको, मेरे को वो सारे पीपल मेरे से जुड़े जो बंदा में मेरे जैसी है, कुछ करने की पागलपन है, पैसा पॉकेट में नहीं, दिमाग में होता है पैसा। तो दिमाग में पैसा आपको कमाना है तो दिमाग में नॉलेज डालना होगा, वो नॉलेज है जो एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ, एंटरप्रेन्योर की एजुकेशन मैं जो देता हूँ, शायद आपको जीवन में पैसा छोटी हो जाए। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सीखना होगा मार्केटिंग, आपको सीखना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल कैसा किया जाता है बिजनेस। तो आपको कुछ भी नहीं सीखोगे तो मार्केटिंग सिखा दूंगा, तो किसी और एक का प्रोडक्ट को हो मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने दो, मार्केटिंग आप कर दो। मार्केटिंग तो इस देश में नहीं, किस देश में, अनेक देशों में नहीं आता, जो देश में आता है वो है सुंदर पिचाई, जो गूगल को आता है, फेसबुक को आता है, ऐसे कंपनियों को, जियो को आता है, एयरटेल कोशिश करती है सस्टेन करने के लिए, जो हमारे कंपनी में वाणी विश्वनाथन रिटेल डिविजन जो मेरे साथ काम की है वो संभालती है, वो तूफान में खड़ी हो गई। वो पर्सन को आता है जो रेहान खान जो मेरा बॉस होता था, राजा राम संतरण जो मार्केटिंग का मास्टर था, वो मेरा कोच है संदीप भानुशाली जो 1 मिनट में मेरे को समझ जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसा ही सब कुछ है। वो 18,000 रुपये सैलरी लेता था, मैं भूल गया, लेकिन आप सारे जानते हो मैं भूल भी जाने से ये टॉपिक कंप्लीट होने के पहले, तो इनको मैं जब 720 घंटे में डिवाइड किया, इनका 25 रुपया, देखो आप देख पाते हो, 25 रुपया इनका एक घंटे का कीमत है, एक घंटे का 25 रुपया, तो दिन में यदि 24 घंटा में 600 रुपया
दिन का सोने के बाद का, लेकिन जागते जागते जो कारपेंटर है, वो प्लम्बर है, वो एसी मैकेनिक है, 600 रुपया क्या 900 रुपया कमाता है एक दिन में। तो MBA पढ़ने के बाद शर्म करो मेरे दोस्तों, BTech पढ़ के शर्म करो दोस्तों। आप एम्प्लॉयमेंट में आने से बेटर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, कुछ देने की बात करो, कुछ लेने की। आप जो सर्विस बेच रहे हो 25 रुपये घंटा, शर्म आना चाहिए मेरे दोस्तों। 25 रुपीज पर आवर, सॉरी, व्हाट इज द फकिंग लाइफ यू हैव देन? कम आउट, बिल्ड योर एजुकेशन, बिल्ड अप। 18,000 रुपये कमाने के लिए MBA करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल्ली में आओ, BA पढ़ो, 20,000 रुपये मिल जाएगा। बीच में MBA की मजाक उड़ा रहे हो, MBA का मजाक मत उड़ाओ, BBA का मजाक मत उड़ाओ, BTech का मजाक मत उड़ाओ। यस, अब BA पढ़ोगे तो मैं बोलूंगा कि यस, आपको 18-20 हज़ार रुपये, 10,000-8,000 भी मिलेगा तो खुश हो जाओ। क्योंकि उसमें क्या है, अकबर का तलवार है या शाहजहां ना आपके घर में आएगी आएगा, मुमताज तो शाहजहां और मुमताज को उसको ताजमहल के पास बैठना होगा। वो इंपॉर्टेंट है यार, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस की जरूरत है, जो होगा नहीं, जो मैं जब जाऊंगा इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम में, एजुकेशन की सिस्टम में, डेफिनेटली मैं चेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए। क्या आप सोच रहे हो कि मैं नहीं जा सकता? मैं क्यों नहीं जा सकता, वो कारण बताओ। क्यों जा सकता हूँ मैं बाद में बता लूंगा सब। देखो, आपको मैं वीडियो में हमेशा आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ क्योंकि बात करने की मेरे को आदत है। कोई नहीं है तो मेरा बीवी से बात करते रहता हूँ, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ फोन रखने के बाद ऐसे दोस्त अनेक है जो रात को मेरे लिए इंतजार करते हैं। देखो, एक बार कॉल कर लीजिएगा, सो जाते हैं, आप सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोई मेरे को हेलो बोल रहा है, मेरा नाम शायद रोहित कलर ने, जय माता जी, यस रोहित करके आया है, तो इनसे मैं बात भी कर सकता हूँ शायद। तो आप समझ सकते हो, देखो फ्री हो तो बताइए करके रोहित जी पूछ रहे हैं, फ्री हो तो बताइए करके रोहित पूछ रहे हैं। यस, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, इनसे भी मैं बोल दूंगा कि आप कॉल कर लो। तो अभी रात को 1 बज रहा है, आप समझ सकते हो कि कॉल कर लो, मैंने लिख दिया है। एक एप्पल का एक्सेस मैक्स लगा हुआ है, एक फ़ोन यहाँ लगा हुआ है, वहाँ और एक फ़ोन इंतज़ार कर रहा है, तो इन्हीं का कॉल मैं लेने वाला हूँ ज़रा। तो ये इनको जो है, मैं बता दूं, ईयरफोन्स में रोहित जी आपको जो कॉल करने के लिए बोला, ऐसा ही टाइम मेरे को फ्री मिलता है क्योंकि, तो आपने लिख दिया कल करेंगे भाई, तो कल किसने देखा मेरे भाई? मैं तो नहीं देखा, मैं जब भी देखता हूँ अभी देखता हूँ। कल करने के लिए मेरे अनेक पीपल है, जो रोहित है जो कल बात करना चाहता है। तो दोस्तों, आप जानते हो रात को मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो में भी मैं रोहित मेरे को जो मैसेज दिया है उनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए मेरे जीवन में कुछ टाइम है करके मैं उनको बोला हूँ कि आज बात कर लो, एंड ऑफ द डे वो बोलते हैं कल करते हैं भाई। तो कोई इशू नहीं है, रोहित जी का पास टाइम जब होगा वो बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जब टाइम होता है तभी बात करते हैं। क्योंकि लीडरशिप्स का स्किल होता है मेरा हमेशा, मैं मोहन चंद्रा जो हूँ अलग हूँ। तो आप सारे वीडियोस में देख रहे हो कि क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मैं बात कर रहा हूँ, इनको मैं एक वॉइस मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि आप सारे जानो जब मेरे पास टाइम होगा तभी मैं उस पीपलों को मैं टाइम देता हूँ। उनकी जीवन में टाइम एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है, ये अपॉर्चुनिटी हर एक को देता नहीं। क्योंकि इंडिया में एक दिन में मेरे को कम से कम 8 लाख पीपल तो देख रहे हैं, तो 8 लाख पीपल के पास मैं कैसा रीच कर पाऊँगा? इसीलिए मैं
ये फेसबुक के वीडियोस जो है या यूट्यूब का वीडियोस कह लो, जहाँ भी हो आपको मैं कंटिन्यूस एजुकेशन देने की कम्युनिकेशन में मैं आपको हेल्प करते रहता हूँ। तो आप क्या है, जरा सा आप सब्र करो, ये पहला 3 मंथ्स जो है मेरी में तक मैं, उसके बाद जो है आपको ये एजुकेशन के सिस्टम 100 सीट्स खत्म हो जाएंगे। इनको एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक चैनल पूरा मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप तक नीचे होगा। ये ब्रिज बनाने के लिए जो हम ब्रिज की गैप को फिल कर रहे हैं, जो परसों से जो अनदर 3 या 4 पीपल जो ज्वाइन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम्स को मैं मनोरंजक बनाने के लिए कंटिन्यूस आपके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब तक पहला 100 पीपल यहाँ मेरे से जुड़ेंगे नहीं, अच्छे पीपल को मैं क्वालिटी को चूज करता हूँ, आप चूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि 25,000 के मैं कॉलेज में भी बोल दूँ तो मेरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 200 बच्चे, आंध्रा यूनिवर्सिटी से 150 बच्चे, ये सारे पीपल को प्रोफेसर भेज देंगे मेरे साथ। तो मैं वो बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो पीपलों को पढ़ा रहा हूँ। कोई 10th क्लास पढ़ा हो, कोई इंटर पढ़ा हो, कोई डिग्री पढ़ा, कोई MCA पढ़ा हो, कोई BCA पढ़ा हो, डिफरेंट सिटी से, सेम सिटी से मैं सेकंड पर्सन को मैं एजुकेट नहीं कर रहा हूँ। एक मेल एक फीमेल को एजुकेट करूंगा। सपोज आप दिल्ली से हो, एक मेल एक फीमेल, वो भी दिल्ली को 10 भाग में 20 भाग कर दिया हूँ वहां से। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद बोलते हुए मोहन चंद्रा आपका कल का वीडियो में फिर से मिलेगा। तो आप सारे जानते हो हर दिन मैं रात को एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ये क्या 2-3 वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो आपके लिए जो है इस हर वीडियो में आपकी जिंदगी में एक 4 चांद लगाने मोहन चंद्रा आता है, एक शारदी का जैसे आपको हेल्प करता है। तो वो सारे पीपलों को हेल्प करता है जो पीपल जिंदगी में अपनी जिंदगी में रोशनी ढूंढते हैं, जो गधे का जैसे काम नहीं करना चाहते, स्मार्ट मूव करना चाहते हैं। क्योंकि वो पीपलों को गधे का सैलरी नहीं लेना है, गधे का इनकम नहीं लेना है। आज जो है महीना में 1 लाख से ज्यादा कमाना चाहिए आपकी जिंदगी में एक खुशियां रखने के लिए। तो 1 लाख कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों, 0 भी इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए कमा सकते हो। इसी के साथ जय हिंद बोलते हुए मोहन चंद्रा, जो टाइम हो रहा है 1:15, तो फिर मेरे को पढ़ना होता है। अब सारे जानते हो मैं दिन में 6 घंटा पढ़ाई करता हूँ, वो 6 घंटा का बाद जो मैं, अरे मैं यार इनको मैं ये मैसेज भेज दूँ, क्योंकि ये भी इंतजार करते रहेंगे, इनको सोना होता है। जो बंदा टाइम अपनी टीवी और फोन में देते हैं, तो उन दो सारे दोस्तों को मैं बता दूँ, 12 घंटा जो टाइम देते हो वो गरीबों का हाल होता है, 10 घंटा 12 घंटा जो टाइम अपने बिताते हो सोशल मीडिया में, वो अब गरीब बन जाओगे। या कोई हर बंदा 5 मिनट का वीडियो में पागल है, 5 मिनट, उसी लिए तो मेरा वीडियो कभी 5 मिनट का होता नहीं, 40 मिनट का एवरेज मेरा वीडियोस होते हैं। कारण क्या है, जब 40 मिनट का वीडियो होता है, जो पर्सन सीरियस है इन दिस लाइफ, वो बंदा ये वीडियोस को देखता है। क्योंकि जिंदगी में बदलाव करने के लिए मोहन चंद्रा जानता है कैसा काम करना है। हर एक से ये बस की बात नहीं है पैसा कमाना, मैंने जो सिखाया इस देश को 1 लाख करोड़ सब मिलके कमा लिए, तो आपको सिखाऊंगा 1 करोड़ भी 1 साल में कमा लोगे तो जिंदगी में वो खुशी आ जाएगी, आपकी बीवी अच्छी आ जाएगी, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके एजुकेशन में कभी कमी नहीं। मैं सबको हमेशा यही बोलता हूँ कि एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो मैं अपने जीवन में सक्सेस लाया हूँ, 3,000 बुक मैं पूरा पढ़ा हूँ, जिसमें 2,000 बुक तो एक सिंगल ईयर पढ़ चुका हूँ, जो आपके जीवन में 8 बुक से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो। तो मेरी पास जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र आपको मैं इस मीडियम में कर रहा हूँ। जो पीपल इस वीडियो को अनेक दोस्तों के पास जब शेयर करेंगे, वो सारे अनेक पीपल मेरे को पूछते हैं पैसा कितना लगेगा बिजनेस में। बिजनेस में पैसा की इम्पोर्टेंट से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। यदि आपके पास वो नॉलेज मिल जाएगी तो पैसा कमाना छोटी हो जाएगी मेरे दोस्तों। बिजनेस में इनकम में इन्वेस्टमेंट वाइज होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो मैं पीपलों के ऊपर करता हूँ, जो 40 साल जिंदा रहते हुए मेरे को रिटर्न्स देते हैं, 50 साल जिंदा रहते हुए रिटर्न देते हैं, कोई कोई 60 साल जिंदा रहते हुए रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आदमी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा होता है। तो पैसा का यहाँ बात कौन करता है, मजाक की बात है। पैसा से बिजनेस नहीं, नॉलेज से बिजनेस होता है। जब बिजनेस करना चाहो, पैसा से दुकानदार बनता है, इवन दुकानदार भी बनना चाहते हो तो इज्जत से बनो मेरे दोस्तों। चेन रिटेल जो इज्जत है जो मिल सकता है दुकानदारों को, वो भी ऑफिस पीसे से चलाता है, एंटरप्रेन्योर चलाता है। इसी के साथ जो दोस्तों आपका जो है 40 मिनट का वीडियो, जो मैं हर दिन एक क्लास आपके लिए देता हूँ, हर रात को एक क्लास मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास के साथ मैं
जय हिंद बोलते हुए मोहन चंद्रा आपके साथ कल फिर से मिलेगा रात को। आप इंतजार करना मेरे, रात को ये वीडियोस आते हैं आप सारे जानते हो। जय हिंद।